तो बात करूँ गुंतर कारम मूवी की, तो ये देखने के बाद डिसाइड करो देखने आने। सबसे पहले बात करूँ त्रिविक्रम और महेश बाबू का कॉम्बिनेशन, कर्ण क्लासिक कॉम्बिनेशन। त्रिविक्रम महेश बाबू का बहुत टैलेंट है, वो फुल यूज करते। महेश बाबू ने पूरी मूवी कैरी किए, ठीक उसी तरह अल्लू अर्जुन ने अल्लू भाई कंठपुरम जो कैरी किए थे, जिसका रिमेक थी शहजादा। बात करूँ त्रिविक्रम का चार उनकी स्टोरी राइटिंग में, स्टोरी एवरेज, स्क्रीन प्ले बहुत बढ़िया, वो ही इस बार मिसिंग था। मूवी लिटरली 3 घंटे की थी, मूवी लंबी लगती, फर्स्ट हाफ 10-15 साल वही देखी हुई कहानी। महेश बाबू परफेक्ट हीरो, हैंडसम हीरो, हर चीज़ में एक्सपर्ट, फाइटिंग से लेकर हर चीज़ में मास्टरमाइंड हीरो। उसके लिए एच हीरोइन बनी जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसे सिर्फ हीरो को सपोर्ट करना है। लेकिन मूवी इंटरेस्टिंग होती है प्रकाश राज वर्सेज जब महेश बाबू चालू होते हैं, और मैं तारीफ करूँगा यार प्रकाश राज की, क्या विलन था यार। मतलब प्रकाश राज में कहूँगा इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एक्टर है, आप आइडियोलॉजी साइड में रखो, लेकिन प्रकाश राज जैसा एक्टर कभी इंडिया को नहीं मिल सकता। उनके कितने सारे विलन रोल है, एक भी विलन रोल के पेट्यू नहीं लगता। मतलब लिटरली यार कितने एक्टर स्टेरियोटाइप हो चुके हैं एक ही रोल करके। फॉर एग्जांपल पंकज त्रिपाठी, कितने सारे विलन के रोल करने के बाद भी एक बार भी स्टेरियोटाइप हो, और जब वो प्रकाश राज वर्सेस महेश बाबू का आमने सामना होता है, वो लिटरली सिक्वेंस फिर देखने में मज़ा आता है, वहाँ से स्टोरी देखने में मज़ा आता है। स्टोरी एवरेज कहूँगा, स्क्रिप्ट प्ले सेकंड हाफ में बेटर है, और मैं कहूँगा इस बार महेश बाबू ने वो सिंगल एक्सप्रेशन वाले एक्टिंग नहीं किए, लिटरली उन्होंने मूवी में जान डाल दी, उन्होंने मूवी कैरी किए, और लिटरली इस बार उन्होंने डांस भी बहुत बढ़िया किए। मतलब डांस नंबर लोग सच में नाच रहे थे। निगेटिव रिव्यूज आए थे मूवी से, तो मेरी एक्सपेक्टेशन इसे कम थी, इसलिए मुझे मूवी अच्छी लगी। मास एंटरटेनर के हिसाब से बोलोगे तो मुझे मूवी पसंद आई, और अगर तुम जा रहे हो तो मैं कहूँगा हिंदी शो के लिए मत जाओ, तेलुगु शो के लिए जाओ, क्योंकि वो जो तेलुगु ऑडियंस है आप बिलीव करो उनके साथ देखने में आगे ये मज़ा आता है।